मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अच्छे अच्छे कमेंट करें ताकि मैं उसको पढ़ूं और उसका रिप्लाई अच्छे से अच्छा करूं। तो आज का मेरा जो रिव्यू है, इसका हॉल तो मैंने काफ़ी पहले दे दिया था, इसका रिव्यू है न्यूट्रोजीना का, ये देखिए आप, अल्ट्रा सीयर ड्राई टच सन ब्लॉक। एक सनस्क्रीन का मैं आपको रिव्यू दूंगी कि मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लगा इसका एक छोटा सा रिव्यू देना चाहिए। अगर किसी को बाय द वे परचेज़ करना इन फ्यूचर, तो उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, जैसे मुझे हुई थी। मैं भी किसी का देख के ही परचेज़ किया था, काफ़ी रिव्यू जान के, तो मैंने सोचा कि मैंने भी इसे काफ़ी हद तक यूज़ कर लिया है पूरा, ये ऊपर तक तो खाली है ज़रा सी ही है इसमें, तो मैंने सोचा कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो मैं इसका रिव्यू देना चाहती हूँ। आफ्टर यूज मैं इसका रिव्यू दे रही हूँ। तो चलिए, मैंने अभी अपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, ये देखिए मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, बस वो एलोवेरा जेल लगाया पतंजलि का, काफ़ी पहले वो भी, क्योंकि स्वेटिंग यहाँ बहुत हो रही गर्मी, वो जो उस टाइप की चिपचिप वाली गर्मी, तो मॉइस्चराइजर तो लगा नहीं सकती मैं, तो मैंने एलोवेरा जेल लगाया हल्का सा, वो काफ़ी पहले ही लगा लिया, तो चेहरे मेरे टाइम कुछ नहीं है, नथिंग, देख आप देख सकते हो कुछ नहीं है। तभी मैं इस पर सनस्क्रीन लगाऊँगी और आपको दिखाऊँगी मैं कैसे अप्लाई करती हूँ। ये बहुत ही थिक पेस्ट, एकदम वाइट है, जैसे कोई जब किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाते हो, कोई वो क्रीम रेकमेंड करता है, तो उस टाइप एकदम दवा, जैसे कोई मेडिसिन लगती हो, उस टाइप का इसका फॉर्म है, एकदम वाइट, देखिए एकदम दवा की तरह, जैसे कोई दवा वाली मेडिसिन वाली लोशन नहीं आती चोट वोट की, वैसा। अब मैं इसको लगाती हूँ, मैं ऐसे इसको डॉट डॉट पे ऐसे पूरे फेस पे, आपको जहाँ जहाँ, अगर आपका हाँ हैंड खुला हुआ, हैंड का पोर्शन, नेक का पोर्शन, ये कभी भी आप डायरेक्ट सनस्क्रीन मत लगाइए, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैंने इसको एक बार डायरेक्ट लगा लिया था, तो ये हल्का सा कुछ बर्न होता फेस जो थी, बर्न होता है, जलन होती है हल्की सी फेस पे, तो हमेशा कुछ लगा के ही अप्लाई करें। एक मिनट इसको लगा लो तब बोलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने लगा लिया है और इजली मेरे फेस पे एब्जॉर्ब हो गया है, ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी इवन टोन हो गया एकदम आपका, देख रही है। लेकिन ये एक बात है, इसको लगाने के जस्ट तुरंत बाद आपको बाहर निकलना है, तो आप प्लीज़ कम से कम 15 या 20 मिनट पहले ही लगा के निकलें, क्योंकि जब आप निकलेंगे बाहर तो आपको फेस पे एक जलन होगी। ये मेरे साथ खुद भी हो चुका है एक दो बार, कि मुझे अपने बेटे को स्कूल जाना रहता है लेने, तो मैं जल्दी लगा के निकलती हूँ, तो मेरे फेस पे फिर जलन देने लगता है, फिर आके मैं तुरंत फेस वॉश करती हूँ। तो इससे बेटर है कि आप थोड़ी देर पहले लगा के निकलोगे, तो आपके लिए मैच बेटर रहेगा। और जब मैं कहीं से आती हूँ धूप से, तब भी स्किन जैसे अभी दिख रही है आपको, सेम ऐसी रहती है, बिल्कुल भी जो डार्क एकदम स्किन काली काली लगती, बिल्कुल वैसी नहीं लगती जैसे आपका सनस्क्रीन लगाने के बाद यूजली होता है, वैसे बिल्कुल भी नहीं लगता। तो मुझे तो परफेक्ट लगती है क्रीम, मैंने ये फर्स्ट टाइम ली थी, और मुझे इससे पहले मैंने लैक्मे का सनस्क्रीन यूज़ किया था और लोटस का, उसके बाद मैंने ये यूज़ किया, तो मुझे ये आई थिंक ज़्यादा सही लग रही है। और जो इसका प्राइस रेंज है, मैं प्राइस रेंज बता देती हूँ, इसका प्राइस है आई थिंक 199 के अराउंड है, हाँ इसका प्राइस है 199, और इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं था, इसे मैंने नायका से लिया था, तो ये 199 की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी सी इसकी ट्यूब है, इतनी बड़ी बस, आप इससे कर सकते हो कितनी बड़ी होगी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, कितने की है, 30 ml की है ये, और इसका SPF है 50, ये देखिए लिखा ही है 50+ SPF और ये 30 ml, और इसका प्राइस ये बैक साइड में लिखा है कि 199। ओके, तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू है सनस्क्रीन के लिए। मुझे तो क्रीम बेहद पसंद है, बस ये इसमें प्रॉब्लम है कि इसमें हल्की सी जलन होती है स्किन में, जो कि नॉर्मली और सब सनस्क्रीन में नहीं होती है, इसमें हल्की सी जलन होती है अगर आप तुरंत निकल के निकलते हो। अभी जैसे मैंने लगाई है तो मुझे हल्का हल्का बर्न फील हो रहा है अपने फेस पे, लेकिन अभी थोड़ी बार नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन सपोज जब बाहर निकल जाऊँ तो वो ज़्यादा होता है, इसलिए थोड़े टाइम बाद आप निकलो, तो बस यही एक इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है कि
तो फ्रेंड मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस सनस्क्रीन का रिव्यू कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय फ्रेंड्स।